सबसे पहले ही बतावा कि तू ही का बनल रलू है? फूल की कली। फूल की कली? अरे वाह, तो आवा पहले ही हमनी के जानल जाओ कि ई कली खिली कि मुरझाई। सबसे पहले जानल जाओ श्वेता जी से। श्वेता जी, लुक बहुत अच्छा था तुम्हारे एक्ट का, मतलब देखकर विजुअली बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हारे जो हमने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस देखे हैं ना, जो देख के सारे खड़े होकर कूदने लगते हैं, वैसा नहीं था, बट इट वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग। तुम्हारा डिस्कम्फर्ट थोड़ा नजर आ रहा था, बाकी यू डिड इट वेरी वेल। आपने पोस्चर वगैरह सब करेक्ट पकड़ा, इट वॉज वेरी नाइस। अब यो बता दूं श्वेता जी कि कितना नंबर देनी है आप छोटा पॉकेट साइज धमाका के? मैं अंजलि को 38 दूंगी। 38 नंबर। अंजलि, एक बात ध्यान में रहे कि ये मंच पर बरकरार रहे खातिर के दिखावे के पड़ी हर बार मजेदार परफॉर्मेंस, और अब आवाज चलल जाओ संभावना जी के लगे। मेरे लिए परफॉर्मेंस वेरी गुड। अब हमनी के यो जानल जाओ कि संभावना जी कितना नंबर दे लिए तोके? मैं अंजलि को देना चाहूंगी 39। दोनों कप्तान तो अपन नंबर भी बता दे ले और अपन विचार भी बता दे ले। अब बारी बाटे बड़की माई के। बड़की माई, रहुआ के कैसा लागल है? अंजलि, जब ये फ्रॉक पहना जाता है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि तुम्हारे हाथ पैर बैले के जैसा सीधे हैं कि नहीं। बिगिनिंग का जंप लो, जब वहां से फूल से हटकर आप इस तरफ, पीछे का पैर क्या बोल रहा है, कैसा होना चाहिए जंप? एग्जैक्टली। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस फ्रॉक के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी काम करो जो ड्रेस डिमांड करता है वो करो। आपका परफॉर्मेंस लाजवाब था। वेरी गुड। थैंक यू मैम। अंजलि, तोहरा खातिर के बहुत गर्व के बात होके के चाही कि बड़की माई जे सिखौले बाड़ी, स्टार होके या सुपरस्टार, सबके डांस के ककहरा, आज उनका से तोहके कुछ सीखे के मिलल है। और अब हम चाहब कि तू अपन स्थान ग्रहण करा। थैंक यू सर। पांच गो योद्धा के प्रदर्शन हो चुकल बा और मात्र 3 योद्धा बचल हुआ। तो जब 5 को देख लेनी जा, खाली 3 को बचल हुआ, तो काहे ना हमनी के ले लेल जाए गो छोट सा विराम। रउआ सब कहीं जाए मत, काहे कि वो हर सपना जौना में बसेला प्राण, वो हर सपना जौन भरेला उड़ान, वो हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल कहीं और ना भैया, दान संग्राम। 5 गो परफॉर्मेंस हो गई बात, आई सबे तनी चलल जाओ हमनी के अपना दोनों कप्तान के लगे। संभावना जी, रउआ बताई कि 5 गो धुरंधर अपन प्रदर्शन कर चुकल हुए, तो कुछ झलक मिलत है ये लोग में से केहू लागत कि टीम में शामिल होई? वैसे तो अभी तक 5 लोगों का परफॉर्मेंस देखा है, तो थोड़ी बहुत तो झलक देखने के लिए मिल गई है, बट विल स्टिल वेट कि सबकी परफॉर्मेंसेस ओवर हो जाए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे। आई तनी जानल जाओ श्वेता जी से। देखिए दिनेश, जो झलक मिल रही है वो आपको मेरे नंबर्स से तो दिखाई दे ही गया होगा, जो मार्क्स मैं इन्हें दे रही हूँ उनसे आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किन्हें पसंद कर रही हूँ और किन्हें चाहूंगी कि मेरे टीम में आए। लेकिन फिर भी मैं वेट करना चाहूंगी कि अगली जो 3 परफॉर्मेंस बाकी हैं वो भी अगर हो जाएं, और क्या पता उन्हें ज्यादा नंबर मिले, और क्या पता वो ज्यादा अच्छा कर जाएं, तो मेरी जो अभी जो मैंने फेवरेट्स बना रखे हैं वो बदल जाएं। तो मैं वेट करूंगी कि सारे के सारे परफॉर्मेंस पहले हो जाएं, उसके बाद मैं डिसाइड करूं कि मैं किसे अपने ग्रुप में चाहती हूं। आई हमने के अपना अगला धुरंधर के बुलावल जा, और वो धुरंधर हमें पटना मुसल्लापुर से प्रदीप मिश्रा। आज आप प्रदीप भैया, और आज जैसन की 8 गो योद्धा लोग में छिड़ल बाटे जंग, और शामिल होके खातिर के वो 4 योद्धा में जे जाबाज और जोशीले बन के संग्राम के लड़ी, तोहरा मन में का चल रहल बाज? हमार तैयारी अच्छा बा, और बाकी सब जो परफॉर्मेंस करके गए ना वो भी अच्छा कर, लेकिन इसे हमार अच्छा है, अच्छा रही तो हम जरूर आब, अपन दावेदारी मंच पर साबित कर।
देख के दिलवा मैडम जी, तोहे देख के दिलवा मैडम जी, लव यू बोले, तोहे देख के दिलवा मैडम जी, लव यू बोले, बागोरी गुलाबी गाल गजब के मस्तानी बाजार, बागोरी गुलाबी गाल गजब के मस्तानी बाजार, चाल पे सारा इंडिया ढोले, तोहे देख के दिलवा मैडम जी, लव यू सेक्सी कोई से ना तोहफे मोरी, बॉडी बातो हर सोली पीछा कोई से ना करी, हमको से करी ले प्यार बनाला हम के जोड़ी तार, मोहब्बत मन में मिस्री घोले, तोहे देख के दिल मैडम जी, लव यू बोले, तोहे देख के दिल मैडम जी, लव यू बोले, हाय। दिलवा लव यू बोले। प्रदीप बाबू सबसे पहले तो हम तो के ही बताई, और लव यू बोल के गए खतरा से खाली ना बाटे है ना। प्रदीप सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये आई लव यू किसको बोल रहे थे तुम? मैम हमारा नहीं, एक ही का नाम ले सकते हो। मैम आपको अरे काहे कंफ्यूज आ रही हो उसको, लास्ट में देखा नहीं कहां से उलट पलट मार के तुम्हारे पास आ गया। बे तो मतलब का इंप्रेशन जमाने के लिए भी होता है। मैंने कहा असली जरा पूछ लूं ना। मैम हम बड़की अम्मा के देखा नहीं है कि हमारा यही लड़की पसंद भी है। बट जाएगी तो लो मैं बटने के लिए तैयार हूँ, जरा गले लगा लूँ तुम्हें। जा शेर जा के गले लग जा। नाना जी आप बटे खातिर तैयार हैं तो आप तनी से यो बता दें कि कितना नंबर बांटत हैं हमरे प्रदीप बाबू खातिर के? मुझे लगता है मैं प्रदीप को 38 देना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं झूठ नहीं बोलूंगी दिनेश, मैं सच बोलना चाहूंगी, सच्ची दिल से सच बोलना चाहूंगी कि जब ये वो लेकर आया ना हाथ गाड़ी, मैंने कहा ले क्या करता रहता है, कभी आटा उठा लाता है तो कभी हाथ गाड़ी उठा लाता है, अभी इसी के चक्कर में ना कुछ एक गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि ये कोई और कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकता। गाने गाने की लिप सिंग स्टेप्स और प्रॉपर्टी सारे हैंडल करने के मतलब प्रदीप के प्रदीप के इसमें हाथ में नहीं, वो नहीं कर सकता। लेकिन तुमने क्या कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया, क्या बैलेंस किया तुमने, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। दिनेश मैं प्रदीप को देना चाहूँगी 38। 38 नंबर दोनों कप्तान आपके दे दिली 38 नंबर। आवत नहीं अब जानल जाओ बड़की माई से कि बड़की माई के तोहरे अंदर एगो ओ डांसर के झलक दिखा, लेकिन आज जे मंच पे रह के और इस संग्राम के जीती। क्या बोलूं मैं प्रदीप, आपने उनको भी इम्प्रेस कर दिया, इनको भी इम्प्रेस कर दिया, मुझे कब इम्प्रेस करोगे? आ चुकल हूँ 6 योद्धा, मात्र 2 योद्धा के प्रदर्शन बाकी बाटे, तो आई सबे हमनी के अपना अगला योद्धा के बुलावल जा, जे रांची झारखंड से हैं सुजीता वरदेवा। सुजीता जैसन की हमनी के जानकारी बाटे, तू अपना प्रांत में कई गो एल्बम के कोरियोग्राफ भी कर चुकल हो जी। आज जोन तो के मौका मिलल बाटे तो तोहके अपन ऐसन डांस दिखावे के बाटे कि तू पहुंच सका अंतिम 4 में। मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने रिहर्सल किया है उसमें मैं खरी उतरूं। सुजीता अब तनी जानल जाओ हमने के श्वेता जी से। श्वेता जी
आज जोन परफॉर्मेंस रहल सुजीता जी के से का लगल है आपके, जोन इनके हिदायत दिहल रहे उनमें ये कामयाबी इनके मिलल है कि ना? मैं इसको ना दिनेश, मैं इसे बुलाना चाहती हूँ 2x2 2x2। ये यहाँ रहे या ना रहे, अगर यहाँ जब भी जाएगी ये नाम लेके जाएगी 2x2। वैसे आपकी बॉडी के मूवमेंट्स मेरे को कई बार वो जो वेव्स वगैरह थे वो काफी अच्छे लगे थे। इट वाज थैंक यू। सुजीता के 2x2 का नाम तो दे देनी, लेकिन ये बताएं कि नंबर कितना देनी है? नंबर मैं दूंगी 37। 37 नंबर। और अब चलल जाइए हमने के संभावना जी के लगे। संभावना जी रहुआ बताएं कैसा लागल है? सुजीता मुझे आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगा। आवत तनी हमनी के यो जानल जाओ कि संभावना जी तोहरा के कितना नंबर दे लिए? 34 नंबर। देखा सुजीता, अभी घबड़ेला की जरूरत नहीं के, कहा है कि अब ही और परफॉर्मेंस बाकी बाटे, आगे आवे वाला धुरंधर लोग के तेवर देखला के बाद फैसला हुई। आवा चल जाओ बड़की माई के लगे। बड़की माई कैसा लागल आपके सुजीता के परफॉर्मेंस? जब तक तुम खुल के नहीं नाचोगे नहीं होगा। आप एक ही जगह खड़े रह के पूरा गाना किया है, पूरा गाना। सुजीता यहाँ तू ये मंच के संग्राम के जीता चाहे मत जीता, लेकिन बड़की माई से कुछ न कुछ सीखे के मिल जाला यहाँ प्रतिभागी की लोग के, और ये बाटे मंच के सबसे बड़ महिमा। तब हम चाहब कि तू अपन स्थान ग्रहण करा ताकि हमनी के अगला योद्धा के बुलावल जाओ। फैसला के घड़ी बहुत नियरे आ गई बा, कहे कि अब बचल है खाली आखिरी प्रदर्शन। ओकरा बाद हमनी के पता चल जाए कि वो कौन चार गो योद्धा हुए जो ने मंच पे बनल रही हैं, और वो कौन चार गो योद्धा हुए जेके आज ही मंच छोड़ के जाए के पड़ी। तो हमनी के देखल जाए वो आखिरी प्रदर्शन। रउआ सब कहीं जाए मत कहे कि वो हर सपना जोना में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल कहीं और ना हो भैया तान संग्राम। आठो योद्धा के दिल का धड़कन बढ़ गई बा, काहे कि वो घड़ी नजदीक आ गई जब फैसला हो जाई। बड़की माई किस्मत का कागज लिख दे ले, अब पता चल जाई कि के ए मंच पे रही और के मंच छोड़ के जाए के पड़ी। ताई सबे बस आखिरी प्रदर्शन बाटे, ओहू प्रदर्शन के देख ले जाओ और बुलावल जाओ दिल्ली से मैक्स के। मैक्स बाबू पिछला बार तो के मिलल है कामयाबी, दोनों कप्तान और बड़की माई के दिल जीत ले रहला, और आज घड़ी वो आ गई बाटे जब या तो तोहके मंच पे रह के ई लड़ाई के लड़े के बा, या तो ई मंच छोड़ के जाए के बा। का चला था तोहरे मन में? लड़ने का, लड़े के मन बा। तो लड़े खातिर के तोहके ऐसन अपन परफॉर्मेंस देवे के पड़ी कि बड़की माई के दिल जीतला, तबे तू ए मंच पे रहबा बरकरार। तैयार? तैयार बा। आई सबे देखल जाओ कि मैक्स के तैयारी कैसन बा। सबसे पहले हमनी के चलल जाए आतमजीत बाबू के लगे। आतमजीत बाबू पहले तू ही बतावा, कहे कि यहाँ आवे से पहले ही तोहरे के चैलेंज दे ले रहे हैं, कैसा लागल तो के इनका परफॉर्मेंस? मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। मूवमेंट्स में कंट्रोल है इनके, मतलब इतने भी बीट्स जो भोजपुरी किया इन्होंने, और हिप हॉप तो बहुत अच्छा करते हैं, और जो स्टेज कवर किया और जितना भी परफॉर्मेंस दिया मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आतमजीत बाबू। अब आवाज जानल जाओ हमनी के संभावना जी से। संभावना जी कैसा लागल आपके मैक्स बाबू के ही परफॉर्मेंस? मैं आपका ये परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंस से कोई कंपेयर नहीं करूंगी। आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत ही परफेक्ट डांसर हैं, वो किसी को भी दिखेगा, एक आपके मूवमेंट से समझ में आ जाएगा। आपने जितना किया मुझे समझ में आ गया आपने क्या किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बस ये कोट उतार के आप करते तो और इम्प्रेसिव लगता, बट पता नहीं क्यों पहना आपने, लेकिन आप नहीं भी पहनते तो भी आप उतना ही अच्छा करते, एंड यू आर अ वेरी गुड डांसर, और मुझे लगता है कि आप बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट हैं
इधर आने के लिए। थैंक यू अर्जुन कहे दुनिया, यो बता दें कितना नंबर देने हैं आप मैक्स बाबू को? एक आध चीज इधर उधर अगर हुई है तो उसका शायद मैं एक नंबर काट सकती हूँ, 39। थैंक यू मैम। श्वेता जी, आप में पोटेंशियल बहुत है, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आई गेस दैट्स व्हाट आई फील अबाउट यू। यो बता दें कि कितना नंबर देनी है आप? मैंने दूंगी 38। विपिन बाबू ये मंच पे बरकरार रहे खातिर के तोके एक बार ना हर बार करे के पड़ी मजेदार परफॉर्मेंस और तब्बे तू बन पैबा ये महामंच के महाविजेता। अब हमनी के चल जाओ बड़की माई के लगे। बड़की माई आपके कैसन लगल है मैक्स बाबू की जलवा? अच्छी थी परफॉर्मेंस। मे बी इन्होंने ट्राई किया कि हमें मालूम पड़े कि वो इंडियन भी कर सकते हैं और वेस्टर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका ड्रेसिंग अब ऐसा लगता है पिक्चर में शायद वो लड़का वेस्टर्न हो इंडियन कर रहा है इसलिए कोट पहन लिया, या वो नाम अर्जुन, कुछ तो कनेक्शन है। लेकिन आपके मूवमेंट्स बहुत साफ सुथरे हैं, मीन्स कोई भी बीट आप छोड़ते नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है आपको। गुड डांसर, यू आर वेलकम। दिनेश मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैक्स आपका नाम क्या है? नाम क्या है? हाँ मैम, वैसे नाम विपिन है। अच्छा, पर विपिन इतना अच्छा नाम है, मैक्स तो तुमने चेंज क्यों कर दिया? मैक्स अपना नाम मैक्स ही रखना प्लीज। पर विपिन इतना अच्छा नाम है, तुमने क्यों चेंज कर दिया? मैक्स माने ज्यादा, है ना, करो ज्यादा का इरादा। विपिन मैम पसंद नहीं आया। विपिन पसंद नहीं आया? तब आठो धुरंधर के परफॉर्मेंस भी हो गई बा और सबकर नंबर बड़की माई के खाता में लिख दिया गई बा। तब अब फैसला जाने बदे कि आज बड़की माई केकरे किस्मत में का लिखले हैं, सब धुरंधर लोग के बुला ले जा। हम चाहता नहीं कि हमार बाकी सात धुरंधर भी मंच पे आ जाए। आज जैसन की नियम बाटे यही आठ को धुरंधर में से चार धुरंधर के मंच छोड़े के पड़ी जे पड़ गए हो कमजोर, और चार धुरंधर आज यह मंच पे चुन ले गई हैं जाबाज और जोशीले के रूप में। ताई हम चलिए अब बड़की माई के लगे और देख ले जाओ कि केकरे किस्मत में का लिख ली है बड़की माई। आठ प्रतिभागी और बस चार धुरंधर के मौका मिली ये संग्राम में रह के लड़े खातिर के। सबसे पहले आकाश बाबू, बड़की माई तोहरा के दहली है 39 नंबर, कुल मिला के तोहार नंबर भइल है 118 नंबर। फैसला बा बड़की माई के हुई है कि तू यह मंच पे सुरक्षित हवा और तो के मंच पे रह के संग्राम लड़े के। जब कोई आया था नजरों पे छाया था दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा हूं सुनाया था, तारे से चेहरे पे मेरी ज़ुल्फ़े तो ऐसा लगता था जैसे गुमरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है जैसे रात। और अब बारी बाटे खुशबू के, बड़की माई भी तोहके देले हैं 34 नंबर, कुल मिला के तुहार नंबर भइल है 98। चूंकि ये नंबर आज के आठों प्रतिभागी में सबसे कम नंबर है, इसे तोहके ही मन छोड़ के जाए के पड़ी खुशबू। और अब बारी बाटे आनंद ईशान के, बड़की माई भी तोहके देली है 40 नंबर, कुल मिला के 119 नंबर। आनंद बाबू तू उ प्रतिभागी हवा जे के आज के नंबर के खेल में सबसे अधिक नंबर मिला ला।
और जो चार गो योद्धा चुनल गए हुए संग्राम में रह के लड़े खातिर के वो मैं एक योद्धा तुम हो। अब बारी बाटे सैब बाबू के, बाबा विश्वनाथ के धरती से बड़की माई इनके देहले हैं 35 नंबर। कुल मिला के इनकर नंबर भइल है 107 नंबर। और नंबर के खेल में सैफ बाबू तुहू रह गिला है पीछे और तोहरों के आज ही मन छोड़ के जाए के पड़ी। और अब बारी बाटे सुजीता के, बड़की माई भी तो के देले हैं 34 नंबर। कुल मिला के 105 नंबर। और दुख के साथ कहे के पड़ी कि तोके भी आज मन छोड़ के जाए के पड़ी। अब बारी बाटे प्रदीप बाबू के, बड़की माई तोके देले हैं 36 नंबर। कुल मिला के तुहार नंबर भइल है 112 नंबर। तू ये मंच पे रहबा कि जइबा ई अगला नंबर जोड़ला के बाद पता चली। अगला नंबर बाटे बिपिन बाबू के, बड़की माई तोह के दहली है 38 नंबर। और ई तुहार नंबर प्रदीप बाबू से हो गल है 3 नंबर ज्यादा और तू ये मंच पे हो गई असुरक्षित। हमके अर्जुन कहे दुनिया सारी, बाकी बचल दू गो योद्धा अंजलि और प्रदीप बाबू। यही दू गो योद्धा में से एक योद्धा के जाए के बा और एक योद्धा ये मंच पे रह जाई हैं। ये दोनों भाई बहन में केहू एक के मौका मिल रहल बा जे मंच पे रह पाई। तो अब हम जोड़े चलत हैं अंजलि के नंबर, बड़की माई इनका के दहली है 39 नंबर। और कुल मिला के इनकर नंबर भइल है 116 जोन प्रदीप बाबू से हो गल 4 नंबर आगे। और अंजलि तू भी ये मंच पर हो गई सुरक्षित। जरा जरा महकता है आज तो मेरा दम बदम, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में, मेरी पसली तुझको सलाम। मैंने आज जो भी किया है मेरे हिसाब से मैंने अच्छा किया था, लेकिन मेरे से भी अच्छा है इन लोगों ने किया, इसीलिए आज यहाँ पे हैं और मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन आज के परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लगा आज का परफॉर्मेंस, अंदर से अच्छा लगा करके। आकाश बाबू, अंजलि, मैक्स और ईशान चार योद्धा हुए जो ना के आज मंच पे मिलल है दावेदारी। बड़की माई नियम के अनुसार यो बता दें कि आज चारों धुरंधर में वो कौन धुरंधर हुए जिकरा के मिली मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। जिसकी पॉइंट्स हाईएस्ट होंगी वही सबसे अधिक नंबर आज मिलल बाटे आनंद ईशान के। और आनंद बाबू बन गए आज के नेक्स्ट एवरी डे परफॉर्मर ऑफ द डे। और बड़की माई के हाथ से मिल गए इनकरा के उपहार। लेकिन याद रहे कि जे नेस्ले एवरीडे मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब सबसे ढेर बेर जीती वही के मिली तरफ से बम्पर इनाम। श्वेता जी आप बताइए आपके ए धुरंधर में से कौन धुरंधर चाहिए, आपके का लगता के मिली या के आप ले हब? ये वाइल्ड कार्ड है और वाइल्ड कार्ड में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर मुझसे पूछा जाता है कि मुझे कौन चाहिए तो ऑब्वियसली जो मुझे चाहिए मैं चूज करूंगी, मुझे आकाश और मैक्स चाहिए। मैं तो पहले ही इसी चीज के अगेंस्ट थी कि आकाश को वाइल्ड कार्ड में इस तरह से क्यों लाया जा रहा है, उसकी तो डायरेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि आकाश मेरी टीम में आना चाहिए। पर अभी वाइल्ड कार्ड हो रहा है, अगर वाइल्ड कार्ड हो रहा है तो वाइल्ड कार्ड। हेलो, अरे भैया सुन ना, लोग बड़की माई कुछ कहते हैं। हेलो,
ये हम कल चूज करेंगे, वो भी मैं चूज करूंगी। आप दोनों भी कुछ नहीं बोल सकते। मैं जो चाहूंगी, जिसको चाहूंगी उस टीम में भेजूंगी। नो ऑब्जेक्शंस फ्रॉम एनीबडी। ओके ओके गुड। चारों योद्धा चुन के आगल हुआ और इनमें कोनो शक के बात नहीं है कि चारों एक से बढ़ के एक महारथी हुए। संभावना जी केहू के अपने टीम में लेहल चाहता रही तो उनकरे के श्वेता जी भी अपने टीम में रखल चाहता रही, लेकिन दोनों कप्तान लोग के चले कुछ ना हुई। बड़की माई जोना टीम में जेके भेज दी है वही टीम में रह के और वो संग्राम के लड़े के पड़ी। ठीक बा, तो एकर फैसला हुई काल और बड़की माई बताई है कि केकरा टीम में के जाई और के केकरा टीम में रह के संग्राम के लड़ी। तो रउआ सब ऐसे ही देखत रही, इंतजार करी, काल पता चल जाई कि कौन धुरंधर कौने टीम में जाई। और तब तक खातिर के हम आपसे आज्ञा चाहब और आप लोग अपन दुलार प्यार ऐसे ही देत रही और आप सबके दिनेश लाल यादव निरहुआ के सादर प्रणाम।